वो तांत्रिक था, सारे पितर बांध रखे हैं उसने अपने पास ही सारी सिद्धियों के साथ, तो बाप भी उसके पास है, वही समस्या है साहब, उसी से सारा घर दुखी है। चाचा है ना वो तांत्रिक सा है, सिद्धियां लेके रखा और घर के सारे पितर। वो एक्सपायर हो गए, वो मर गए, कैसे हैं देखने में पता पड़े इसकी घर से क्या चीज घटी है? बताओ, लड़का है, उसकी चीजें कट कट के आ रही है, बेटे की ना, हाँ। बेटे को भी होगा ना, एक और चीज क्लियर होगी, ये हस्बैंड नाम बताओ, पति कभी भी आ जाए यार, ये पूछने की बात है, तीन दिन में आ जाए तू यही रह जाए ना, क्योंकि कैसा कब आऊ, हाँ 1000 बार यही क्वेश्चन पूछ लिया भैया, कब आऊ कब आऊ कब आऊ, यार कमाल की बात है, कुछ बताया था, बता दे तू यही रह जा, बस जा ही रुका है, नहीं होगा तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारे सामने कितनी बार पूछा है मैंने कब आऊ कब आऊ कब आऊ, भैया इसका जो चाचा है ना वो तांत्रिक है, पीछे खड़ा होता है सारे पितरों को लेके और अपनी सारी सिद्धियों के साथ खड़ा है। मैंने इसकी समझ कई चीज निकाली भी थी, तो बस वही वो बच रहा है, वही वो बच रहा है, फिर आते रहो भी और दो तीन बार, चलो पूर्वी पूर्वी चलो, क्या नाम है तेरा? उसका दादा है कि नहीं? पूजा इसको कब से परेशानी है? ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये इसको 8 महीने से ज्यादा परेशान कर रहा है। पितर आने लग रहे हैं? इसकी तांत्रिक की भी चीजें आ गई, पितर आ रहे हैं। मैंने इसको कई बार हो गई थी, फिर दोबारा क्या हो गया जसमीत भैया? इतनी बड़ी डाकनी किसने भेज दी इनके लिए? पकड़ के बाद निकल रहे हो तो साथ साथ आइए। हो गई जहां से आई वहां वापस। इसको देख लो, नाम बताओ। यहाँ कुछ होता है कलेजे पे? कौन सा लड़का है? शशि है भाई, इतने साल से मेहनत कर रहे थे, मेहनत का कुछ तो फल पाते अपना नहीं लेते, किराया करते थे 1,00,000 रुपए महीने किराया जा रहा था, खुद 4 मंजिल बना के आया है, मन्नत पूरी होगी, छोरे कितनी बार आ चुकी है? तीन पितर हैं यहाँ बिठा रखे हैं, जिनके हाथ में तांत्रिक का सब आ गया, ये जिन रह गया, लेकिन तांत्रिक का सब आ गया ये जिन रह गया और इसके प्रेत भी कट गए। कौन आया इसके साथ? ये माता जी आ गई। हाँ अभी रह के आना इसको 2-3 बार। चल करा लिया तो मेरे से भाई, तुम थोड़े फ्री से हो गए, सबको चाय पानी कॉफी कुछ पिला दो, लेमन टी वगैरह। भजरंग बली की पूजा कौन करता है? पांच देवता है बंदे घर के, बस बाकी सब आ गए। चलो आता है अभी, ये चीज बहुत सारी चीज होती है तो धीरे धीरे बता रहा हूँ। अभी का तो कट जाएगा, बंद है बजरंग बोले, उसको बोल के खुलवा दे मोहन राज को।
ले जा भी बंदे खोल के लेके आओ ले। इसको क्या बताया पूजा जिन साल है बहुत बड़ा पीछे खड़ा सारी चीजें इसकी पकड़ रखी है उसने। क्या का टेस्ट है यहाँ? एक माता बस चालू हो गया कितना बुलाऊंगा इसको तो अभी कौन सी बार आई है दूसरी बार ही आए काम चल रहा है मतलब देवता काम कर रहे हैं तुम्हारा। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर पे है। बीमार है? ना अब तो ठीक है पहले कभी रहती थी। पैरों में क्या होता था उसके? दर्द होता था पहले। तुझे यहाँ कुछ होता है? यहाँ कभी मैं सर में कुछ होता है? यहाँ नहीं होता यहाँ अब होने लग गया। इसका? इसका? तीन माता खड़ी है मंदिर में अभी देख वो रोज क्रिया होती है। रोज क्रिया होती है देख कितने पूछ करते हैं। और दूसरा कौन? सात 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 दिखा रहा है। और कितने देवी देवता गए हैं? वो बोल रही है मूल रूप से सात। यार कहाँ से? जाप नहीं हो पा रहा। मुझे ना आपसे अलग सी चीज दिखने लगी है जिन जैसा लेकिन वो जिन नहीं है। उसका नाम नहीं बता रही। क्या करता है? बिल्कुल काले से रंग का है बहुत बड़ा सा है मोटा सा एकदम लेकिन वो जिन नहीं है। नहीं है वो देवता है हमारा? नहीं है। किसको है? बहुत सारे लोग देखे अभी इसको भी है। मुस्लिम जिन होगा वो अभी जिसको वो जिन्ना बोलते वो भी मुसलमान। एक तो निशानी भी डाल रखी थी वहाँ पड़ले धाम में जब बताई थी चुड़ैल तो एक कौन अब पहले वहाँ धाम था अपना वहाँ दिखाया था मैंने तो वहाँ बताई थी एक चुड़ैल एक जब तो ठीक बताई थी वो आप बताई थी वो देख वो क्या इतने काम हो गए खुद ही बोलते हैं मुक्ति चाहिए। भैया मैंने एक साधना करी थी सावन में तो जब ये चुड़ैल तो दिखी थी मेरे सामने आके बैठ गई थी तो उस टाइम जैसे मैंने महादेव जी से फरियाद करी तो वो ऐसे जल गई थी जैसे ऐसा लग रहा जैसे जल रही है ये सामने उसके बाद हल्का हो गया था पूरा मैं। चलो एक बोल भाई मुन्ना ठाकुर इनके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? आप तो रहना बस और कुछ नहीं करना क्या कराएंगे नाम बताओ आदमी है नाम बताओ वीरेंद्र सिंह शासनी एक किन्नर और एक बहुत ही बड़ा सा तांत्रिक का ही खिलाया पिलाया वाला प्रेत। अरे वो उसका
यहाँ क्या कटा है? एक देवी के पास पितर थे सारे, वो एक देवी के पास उनके पितर थे सारे घोड़ गए। चलो आप क्रिया किसकी हुई है, किसका हुआ? अरे यहाँ क्रिया किसकी कराई तुमने? हाँ जी कराई है, क्या क्रिया कराई? हाँ तो अभी बाद में दिखाना मुझे, क्रिया का ही बोल रहे हैं, बाद में दिखाएंगे। सबसे हाथ रखा जाए, उसी की क्रिया का बोल रहे हैं। उसका घर वाला है, उसके साथ एक आदमी है पितर में। सुदूल देखता है, मुझे भी कड़न देखता है। मास्क नीचे, कौन सी बार आए हो? काफी बार आ लिया, उधर था जब पिछले लाया था। बारह सब कुछ हो गया है, अरदास लगाई थी पूरी होगी, एक तो चादर चढ़ाने आया था। और अपने कुछ हमारा ससुर है इस पे, तो कोई परेशानी नहीं दिख रही। शिवानी कहाँ से? क्या नाम है घर में? माँ बाप का नाम बताओ। मम्मी का नाम मुकेश, पिताजी का नाम राजेंद्र। दिया जलाते रहो, जो परेशानी है वो हो जाएगी खत्म। दीपदान वाली प्रक्रिया करो। मकान बनाया रेंट के लिए, प्रोड्यूस के अड्रेस का ना पड़ जाए जल्दी। चार मंजिल मकान बनाया था अभी तो, बाबा के यहाँ चौके लगा के गया था, अब कम्प्लीट हो गया। ठीक हूँ, खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़े से दुआ कर। आदमी को क्या होता है तुम्हारे? आदमी को सुनना पड़ा है, वो कोई काम भी नहीं करते, सारा काम बंद कर रखा है। ससुर नहीं है ना? इतने कोई कई साल से पड़ा हुआ है, सिर्फ पितर बच रहे हैं तीन, बस। और तुम्हारी समस्या हो गई है खत्म? तीन पितर बच रहे हैं बस। नहीं, दीप दान करती है, दीप दान घर में तो करती हूँ, यहाँ भी करता हूँ। देखो इनको, देखो क्या नाम है, प्रेम। एक मिनट बच्चों, कौन सा हाथ है? मैं साथ हूँ। नाम बताओ। पापा का? प्रेम। तुम्हारा? संजय। दिवाली को पूजा कर दी अपने घर में। भैया नाम बता रहे हो तो सुनो जी। नाम बताओ। और तो उन्हें दिक्कत था ना, डर रहा था तुम्हें? आपका ठीक है, और बेटा है बड़ा छुड़ाया हल्की होगी, घूमी है भारी है, और भी है पीछे। सात आदमी रखे हैं उसने पीछे। उनको कुछ है? इसका पाप कहाँ है? उनको गले में कोई दिक्कत थी? पापा को, दादा को गले में दिक्कत थी? तुम दादा को रानी छोटे में चले गए। तांत्रिक ने सारे पितर बांध रखे हैं, वो ही है बस। चला रुक जाना, वो राम राम से बताते हैं। क्या जरूरत? इसको 300 रुपए करवा दो चुड़ैल के लिए बस, वो और दिए जलाने हैं। मुझे मम्मी को भी दे के आराम लगेगा। कर दी होगी किसी ने? माता तो दिख रही है, एक बार जाके फिर आओगे? माता दिख रही है सामान्य, कैसी
नहीं नहीं उसमें नहीं हाथ रखो। नाम बताओ। भैया से आशीर्वाद लेना और आशीर्वाद करना। इसकी माता उल्टी नहीं हो सकती। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। इसकी चुड़ैल का थोड़ा सा वो रहता है। घर मात्र का ही पहले थी ना। चलो नहीं पहले तो कभी था नहीं। पहले इसमें चुड़ैल होगी जरूर। उसका कलर रहता है। अच्छा अच्छा 300 की करा दूँ ना मैं। हाँ इसका देख शिव कुमारी का मम्मी का भी देख दो। बहुत बीमार है। तुम्हारा बाप जिंदा है वही है। उसको उतर के करवाओ। पापा तो अभी साल आ सकते हैं ना। दो मसान खबीर क्रिया कराई थी। दूसरी बार आई तीसरी बार चौथी बार आई। दो चुड़ैले और कट चुकी हैं। दो चुड़ैले और तीन तो ये पीछे इतराएंगे। पांच मिनट में बाल रखे अभी इतराएंगे। ये बंदे हैं उसके पास इतर बंदे हुए हैं। सारे पितर है एक एक से बेचता जा रहा है। बीमार कौन सी है? नाम बताओ। नाम नाम खुशबू। माँ है तुम? क्या नाम है? श्रीमती उर्मिला देवी। उर्मिला देवी इसका ससुर है? हाँ दादा है। उस दादा का कोई तुम्हारा चाचा है कोई? हाँ, खत्म हो गया ना। शोर मत करो भाई। इसके सर में परेशानी रहती है? मम्मी के है सर पे। सर में परेशानी रहती है। सर में यहाँ पे कोई? हाँ तुम्हारी बनती नहीं है उससे? नहीं बहुत बनती है। मेरे दो दादा एक साथ ही रहते हैं। मतलब जो मेरे सगे दादा जो छोटे दादा एक साथ ही रहते हैं। तो उनकी भी तरफ से बुआ है मेरी सगी बुआ। चुड़ैले दो आदमी चलते हैं इनके साथ और पितर बच्ची के साथ। हाँ सारे घर पे। सारे घर पे कोई नहीं आना है अभी। आप रहो अपने आप के लोगों के साथ। पांच चुड़ैले दो आदमी तांत्रिक कोई बात नहीं। इसको घर में अच्छा भी नहीं लगता। जब से धागा बांधा है ना जब से कहती हूँ। जब इतनी सारी चीजें हैं तो बेचैनी तो होगी ना। चलो चलो भैया जी। अब कितना दिन पे आएंगे? कोई दादा है तुम्हारा? दादा के कोई भाई थे? भाई अभी भी है? चाचा था मम्मी बहन में से कौन बीमार रहता है? मेरी बहन मम्मी तो एक्सपायर हो गई। हॉस्पिटल में थी काफी टाइम से। दो तीन हॉस्पिटल बदले तो एक्सपायर हो गई मम्मी। और बहन रहती हूँ झगड़ा करती रहती है छोटी छोटी बातों की। तुम्हारे पापा? पापा भी बीमार रहते हैं। घर में बच्चे सब डरते हैं। वैसे क्या घर में से एक एक जाता जा रहा है। उन पितरों के साथ खड़ा होता जा रहा है और बंधन में जा रहे हैं तांत्रिक। चलो चलो पितर आ रहे हैं। पितर आने चालू हो गए। बस खत्म हो गया। जुटी है वो आपको? अरे कोई करवा रहे हैं? हाँ आज असल में डाउट भी यही हो रहा है क्योंकि बीच में कुछ चीजें हो रही है। रात में ऑटोमेटिक वाइफ जग रही है और अजीब अजीब सपने आ रहे हैं।